हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं रोहतास जिला के करमनासा नदी पे बना हुआ एक डैम जिसे हम लोग करमचट डैम भी कहते हैं, क्योंकि इस करमचट एक गांव है जो इस नदी के बगल में है। ये नदी एक दुर्गावती नदी पर बना हुआ है। दुर्गावती नदी करमनासा नदी की ही पार्ट है जो बिहार कैमूर और रोहतास जिला बना हुआ एक डैम है, दुर्गावती डैम। यह डैम पहाड़ों के बीच एक मतलब पहाड़ी है जो लावली की छोटी सी पहाड़ी बिहार के पास में ही पड़ती है। इसी उन्हीं पहाड़ियों से बीच से एक नदी गुजरती है, वहीं पे एक डैम बना हुआ है जो कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इरिगेशन प्रोजेक्ट कहने का मतलब यह है कि ये सिंचाई के लिए मुख्यतः बनाया हुआ डैम है। इस डैम की शुरुआत लगभग जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। वो जगजीवन राम 1976 में ये यूनियन मिनिस्टर से होते हैं, जो मैंने कुछ फोटो खींची थी वहाँ पर, काफ़ी सुंदर आई हुई थी क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा था। कुछ मेरे दोस्त भी गए मेरे साथ में, कई फोटो मैंने ली। तो ये हम लोग अभी कुछ ही दिन ठंडी के मौसम में गए थे, नवंबर के महीने में, इसलिए यहाँ पे पानी कम है और यहाँ बोल सकते हैं कि पानी नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब बरसात के दिन में जाएंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर में, खूबसूरत नज़ारा ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो हम लोग बिहार में ही कहीं बाहर पर्यटन स्थल घूमने आए हुए हैं। अब देख सकते हैं सामने कितना ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। और ये एक बिहार का अनजाना पार्ट है जिसे हम लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं। आजकल धीरे धीरे ये जब आप रोहतास में बरसात के मौसम में जाइएगा अगस्त में या सितंबर में, वहाँ पर धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बहुत ही बढ़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे बिहार के लिए, होना भी चाहिए ऐसा। हम लोग गए थे यहाँ पर, हमारा खूबसूरत दिख रहा था। Thank you.